नमस्कार दोस्तों दोस्तों ये है Redmi Note 7। तो चलिए मैं आज इसका अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों मैं इसे Flipkart से मंगाया था और ये आज ही डिलीवर हुआ है। तो चलिए मैं इसका अनबॉक्सिंग शुरू करता हूँ। दोस्तों ये वेरियंट 464 है और मैंने इसे ब्लू कलर में मंगाया हूँ। तो चलिए मैं बॉक्स को खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ अंदर की चीज़ें। तो ये इसका बॉक्स भी ओपन हो गया है। तो सबसे ऊपर आपको फ़ोन देखने को मिलेगा जो कि ब्लू कलर में मैंने लिया हूँ। देखिए ये है Redmi 7S और इसके नीचे एक आपको इनवॉइस देखने को मिलेगा और उसके नीचे एक आपको ट्रांसपेरेंट बैक कवर देखने को मिलेगा और ये रहा कुछ पेपर वर्क और इसके नीचे आपको एक टाइप सी केबल देखने को मिलेगा और इसके बाद आपको एक चार्जर देखने को मिलेगा जो कि एक नॉर्मल चार्जर है 5V 2A का। दोस्तों ये फ़ोन फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, इसके लिए आपको अलग से चार्जर्स परचेज करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इन सारे चीज़ों को साइड में रखता हूँ और आपको बताता हूँ फ़ोन के बारे में। तो ये है Redmi Note 7S। तो चलिए मैं इसका फिजिकल ओवरव्यू करता हूँ। ये 48+5 MP का बैक कैमरा और ये फिंगरप्रिंट और ये Redmi का लोगो। नीचे की तरफ आपको टाइप सी पोर्ट और ये रहा सेकेंडरी माइक और ये रहा स्पीकर। ऊपर की तरफ आपको आयर ब्लास्टर और हेडफोन जैक देखने को मिलेगा और प्राइमरी माइक्रोफोन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे इस साइड पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम बटन देखने को मिलेगा और इस साइड है सिम ट्रे जो कि एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है। चलिए हम जल्दी से फ़ोन को बूट कर लेते हैं। दोस्तों ये फ़ोन नोच डिस्प्ले के साथ आता है और इसी में आपको लगा हुआ मिलेगा 13 MP का फ्रंट कैमरा। चलिए मैं इसके फ़ोन को ऑन करके और इसके सारे सेटअप को करने के बाद सीधे मैं होम स्क्रीन पर आपको लेके आता हूँ। तो ये है Redmi Note 7S का होम स्क्रीन और कुछ इस तरीके से आपको इसका सेटिंग देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं इसके सेटिंग में चलता हूँ और आपको अबाउट सेक्शन में ले जाकर दिखाता हूँ कि ये Redmi Note 7S ही है। और देखिए 4GB RAM भी यहाँ बता रहा है, ठीक है। दोस्तों ये फ़ोन एंड्रॉयड 9 Pie आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा जो कि एक बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं इसके सिक्योरिटी की बात कर लेता हूँ। तो इसमें आपको फेस लॉक और फिंगरप्रिंट दोनों देखने को मिलेगा। आप यहाँ से सेटअप सारे चीज़ों का कर सकते हैं, ठीक है। और यह है वॉलपेपर कंसोलर जिसे आप अपने डिस्प्ले पर चेंज होने वाले वॉलपेपर को लगा सकते हैं। दोस्तों इसके एडिशनल सेटिंग में आपको क्विक बॉल इनेबल का भी ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ से आप क्विक बॉल इनेबल करके सारे कस्टमाइजेशन को एक साथ इनेबल कर पाएंगे और उसी के नीचे आपको नोटिफिकेशन लाइट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें फुल स्क्रीन डिस्प्ले का भी ऑप्शन दिया गया है जिसके ऊपर में आपको हाइड नॉच का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आपको नॉच पसंद नहीं है तो आप इसे हाइड कर सकते हैं, जो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा जो मुझे पर्सनली बहुत ख़राब लगता है। और नीचे आपको गेस्चर लगाने का ऑप्शन दिया गया है जहाँ से आप लर्न भी कर पाएंगे कि कैसे ये वर्क करता है। देखिए ऐसे आपको यहाँ पर वर्क करने को मिलेगा तो आप इसे इनेबल भी कर पाएंगे और यहाँ से। तो चलिए मैं इसके डिस्प्ले के सेटिंग में आपको ले चलता हूँ और आपको यहाँ पर डार्क मोड भी देखने को मिलेगा जो कि पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। डार्क मोड जिसे इनेबल करने के बाद आपके आंखों पर कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। और इसी के नीचे आपको राइज टू वेक स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पर रीडिंग मोड भी दिया गया है, यानी दोनों आपको मोड देखने को मिलेगा, डार्क मोड और रीडिंग मोड दोनों आपको इसमें दिया गया है। और इसमें बहुत सारे सेटिंग दिया गया है। तो चलिए मैं इसके कैमरा में आपको ले चलता हूँ। कैमरा में आने के बाद जैसे ही आप इसके 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ 48 MP का ऑप्शन देखने को मिलेगा जिससे आप 48 MP के रेजोल्यूशन वाले फ़ोटो को आप क्लिक कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे पनोरमा, ब्यूटी और प्रो मोड सारे मोड उपलब्ध कराया गया है और इसमें बुक के फ़ोटो इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा आप खींच पाएंगे। तो चलिए मैं एक फ़ोटो लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये वाकई में कितना अच्छा देखने को मिलता है। और इसके फ्रंट में आपको 13 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं इसके बैक कैमरा की सेटिंग में आपको ले चलता हूँ जहाँ से पिक्चर की क्वालिटी और फिंगरप्रिंट शटर और पिक्चर का रेजोल्यूशन घटा और बढ़ा सकते हैं। और इसमें वाटर मार्क भी आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको Redmi 7S लिखा रहेगा और वाटर मार्क के साथ आपको आएगा ये। तो चलिए मैं फ़िलहाल कुछ फ़ोटो को शेयर कर रहा हूँ जो मैं इसी फ़ोन से खींचा हूँ।
तो बस आज के लिए बस इतना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। धन्यवाद।